हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर एंड मोशन स्टार्ट किया था, उसमें कुछ हम लोगों ने पॉइंट देखे थे, तो आज उसी के पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, कल मैंने बताया था कि दो अगर वेक्टर है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट और उसका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, क्योंकि वेक्टर को न तो आप सिंपली जोड़ सकते हैं, न ही घटा सकते हैं, गुणा और भाग भी नहीं कर सकते। तो देखिएगा, मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर ऐसे था और मैं इस वेक्टर को नाम दे रहा हूँ ए, और कोई एक वेक्टर ऐसे है इसको मैं नाम दे रहा हूँ बी, और इसके दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अदिश गुणनफल, तो इस वेक्टर का इस पर जो प्रोजेक्शन होगा उसी के साथ इसका गुणा होगा। ठीक है, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा, इसके साथ एंगल बन रहा है ए का, इसके साथ एंगल बन रहा है तो कॉस लगाएंगे, अगर इसके साथ एंगल नहीं बन के इस साइड एंगल बनता तो साइन लगाते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड परिणाम ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, और कॉस थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है कॉस थीटा। परिणाम कैसे निकालते हैं जी, मान लीजिए कि मैं वेक्टर को दिखा रहा हूं 3D में कुछ इस प्रकार से, ये हो गया 3D, और मैं ऐसे माना था कि ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, और ये मेरा z एक्सिस है, और ये है z, ये है x, ये है y। x को आपको i मानना है, y को आपको j मानना है, और z को आपको k मानना है। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए कि बीच में कहीं पे पॉइंट होगा, सपोज दैट यहाँ पे होगा, तो कैसे आऊंगा मैं पहले में, और मुझे यहां से चलना है, यहां से शुरुआती पॉइंट है, यहां पे पहुंचना है, तो मैं पहले इस डायरेक्शन में x में कुछ दूरी चलूंगा, फिर ऊपर उठूंगा y में, और फिर ऐसे z में आऊंगा। x में कितना चला प्लस y में कितना चला प्लस z में कितना चला, मान लीजिए वो यहाँ पे है, और इसका कोऑर्डिनेट मैं कह रहा हूँ कि x में कुछ है, y में कुछ है, और z में कुछ है, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो आप लोगों ने 10th में पढ़े हुएगा दूरी सूत्र निकालने के लिए, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0, स्टार्टिंग है, इसलिए 0 0 0। अब इस इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसी को तो वेक्टर का परिमाण बोलते हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे जी, उसको निकालेंगे, मान लीजिए इसको ओ और इसको ए, तो ऐसे निकालेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यहाँ पर x2 है x और x1 है 0, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा OA। ठीक है, अब देखिए वही ये है, ये इसको हम ऐसे दिखाएंगे इसके परिमाण को। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसका निकालता हूं आई जे के, आपको दिया गया होगा, मान लीजिए कि आपको गुणा करना है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये कोई वेक्टर है मान लीजिए, और आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है 2i माइनस जे माइनस के से। कैसे कीजिएगा देखिए, 2 2 4 i डॉट i कैप प्लस माइनस माइनस, इसका फिर इसके साथ करना पड़ेगा, फिर इसका इसके साथ करना पड़ेगा, अगेन फिर इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबका करना पड़ेगा। अब मेरे पास यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, टोटल 9 गुना करना पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसका एक शॉर्टकट निकालता हूँ, देखिएगा कैसे। मान लीजिए कि गुना करने पर देखिए, यहां से i और i आ गया, यहां पर i से j आ गया, और यहां i से k आ गया, मुझे i से i में गुना करना पड़ेगा, i से j में करना पड़ेगा, i से k में करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इसका वैल्यू ही निकाल लूं। तो देखिए, मान लीजिए कि इधर a है, सॉरी i है, ये वाला i, ऊपर है j, और इसके 90 डिग्री पर है k, ये ऐसे नहीं दिख रहा है ऐसे, क्योंकि 2D का बोर्ड है तो ये ऐसे दिख रहा है, ये इस पर लंबवत है, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये है k। गुणा करते समय i के साथ i भी आ सकता है,
आई के साथ जे भी आ सकता है, माइनस टू आई जे के, वैसे आई के साथ के भी आ सकता है। तो चलिए मैं आई के साथ आई का आंसर निकालता हूं कि अगर आई के साथ आई का गुना होगा तो क्या होगा। अब देखिएगा, आई और आई जे के इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। और मैंने बताया था इकाई सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है। तो इसका परिमाण इसके अनुसार देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए वेक्टर ए का मोड, वेक्टर बी का मोड और दोनों के बीच का कोण। तो इसका मोड कितना है जी, 1। इसका इसका भी 1 cos, दोनों के बीच का एंगल। आई इधर है, दूसरी आई भी इधर ही होगा, क्यों? क्योंकि एक ही तो आई है। जे होता तो इसको लेते, के होता तो इसको लेते, ये दोनों आई है तो दोनों इसी डायरेक्शन में होंगे। अब दोनों इसी डायरेक्शन में होंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। अगर एक इधर है दूसरा भी इधर है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, अगर एक इधर होता दूसरा इसके उल्टा होता तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। फिलहाल 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री। cos 0 का मान होता है 1, 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1। उसी प्रकार से अगर आप j cross j कर j dot j करेंगे तो भी आएगा 1, इनके दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो 1 गुने 1 गुने cos 0 बराबर 1, और k dot k करेंगे तो भी आएगा 1। अब देखिएगा इसमें क्या आया कि i के साथ j आया है, मैं निकाल लेता हूं कि i के साथ j आएगा तो क्या होगा, i डॉट j बराबर इसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है तो 1, इसका मैग्नीट्यूड j, ये भी यूनिट वेक्टर है तो 1, और दोनों के बीच का एंगल, i जा रहा है इधर, j जा रहा है इधर, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90, और cos 90 का मान होता है 0, तो टोटल मिला के हो जाएगा 0। इससे आप क्या सीखे, आई के साथ जे को गुना करने पर 0, तो सिमिलरली जे को के साथ गुना करने पर 0 और के को आई के साथ गुना करने पर 0 आएगा। ये एक दूसरे के लंबवत है, और लंबवत है तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 का मान 0 होता है इसलिए ये 0 हो जाएगा। सेम सेम में गुना करने पर आंसर आएगा 1, डिफरेंट डिफरेंट में गुना करने पर आंसर आएगा 0। तो अगर मैं इसको इससे गुना करूं तो दोनों सेम सेम है, आंसर आएगा 1, सिर्फ आई का आई के साथ 2 दूनी के 4 और प्लस में आई का साथ करने पर 1 आएगा। इसका इसके साथ करूंगा तो आई के साथ जे आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट, और डिफरेंट डिफरेंट जब होंगे तो उसका आंसर 0 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको क्विकली कर दे रहा हूं। देखिएगा आई का आई के साथ करते हैं तो 2 दूनी 4, आई का जे के साथ करेंगे तो 0, आई का के साथ करेंगे तो 0। हम डिफरेंट वाले पर ध्यान ही नहीं देंगे, हम डिफरेंट वाले पर ध्यान ही नहीं देंगे क्योंकि आंसर तो वैसे भी 0 ही आने वाला है, तो मैं क्यों ध्यान दूं। इसका फिर इसके साथ हो गया, जे का जे के साथ करो क्योंकि बाकी के साथ 0 आएगा। इसका इसके साथ करूंगा तो प्लस 3 माइनस 1, जे का कोफिशियंट है 1 और यहां पर माइनस लगा है तो प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 और जे के साथ गुणा करने पर आया 1। फिर के का के साथ करेंगे, 4 एकम 4 और प्लस माइनस माइनस, के का के साथ करने पर आएगा 1। ये आया माइनस 3 इकाई, ठीक है, ये हो गया मेरा डॉट प्रोडक्ट। अब चलिए हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर ए इधर है और कोई एक वेक्टर इधर है बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया कि इसका इस पर जितना प्रक्षेप होगा उसी से गुना करेंगे तो आएगा डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे कि इसका ये वेक्टर का इस लाइन पर जो प्रक्षेप होगा उसका इसके साथ गुना करेंगे। अब देखिए एंगल इसके बीच में बन रहा है तो इस पर लेंगे कॉस, अगर इसका प्रोजेक्शन इस पर लेंगे इस लाइन डॉटेड लाइन पर तो कॉस नहीं लेंगे क्योंकि इससे एंगल नहीं बन रहा है, जिससे एंगल बनता है उसी से कॉस लेते हैं। तो इसका इस साइड पर लेंगे वो होगा बी, बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए इसका इसके साथ गुना किया जाएगा और साइन क्रॉस का दिया जाएगा, ऐसे वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर बी बराबर इसका मैग्नीट्यूड, इसका मान क्या होगा, मान निकालने के लिए मैंने बताया था रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर, ठीक है। या फिर सिंपली कोई एक वेक्टर देगा तो उसके कंपोनेंट का अंडर रूट में स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा। वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड, उसके बाद में इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एक और देंगे एन कैप, क्यों, इसलिए कि इससे पहले वाला जब मैं डॉट प्रोडक्ट किया था अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल करने पर उसमें आई जे के कुछ नहीं आया था, इसमें आएगा और वो किस डायरेक्शन में आएगा, मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर दिया है और दूसरे के साथ उसको गुना करना है, पहले का दूसरे के साथ हमको गुना करना है, हम पहले वाले पर हाथ रखेंगे, दूसरा इधर है तो इधर हाथ घुमा देंगे, ये वाला जो अंगूठा बताएगा ये इस एन कैप को बताएगा और ये बताएगा कि इसका जो डायरेक्शन होगा, इस गुना का डायरेक्शन इन दोनों के लंबवत होगा, ऐसे एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है और ये ऐसे होगा, तो इसके साथ में 90 डिग्री का कोण, इसके साथ में 90 डिग्री का कोण, ये दोनों पर लंबवत है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल वहीं से करेंगे जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि गुना करने पर मान लीजिए कि आपके साथ आ गया आई जे और के, जैसे पिछले में डॉट प्रोडक्ट में किया था आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, उसी प्रकार से यहां पर कर रहा हूं आई क्रॉस जे जे क्रॉस के क्रॉस आई जे क्रॉस आई के क्रॉस जे और आई क्रॉस के। अब देखिएगा इसके तीर को ध्यान से देखिए, ये वाला आई को जे के साथ कर रहे हैं, आई इधर है और जे इधर है, तीर का डायरेक्शन ठीक से जा रहा है एकदम, जिस डायरेक्शन में हमने दिया था उसी डायरेक्शन में आई और जे जा रहा है, तो आगे वाला क्या मिलेगा, के मिलेगा, तो यहां पर होगा इसका आंसर के का, ठीक है। जे क्रॉस के, जे इधर है के इधर है, मैं इधर से इधर आया बिल्कुल क्रॉस एरो के डायरेक्शन में ही, तो आगे क्या मिलेगा आई, और मेरा डायरेक्शन जो माना हुआ है वो सेम है इसलिए ये प्लस में आएगा आई। के क्रॉस आई, के इधर है आई इधर है बिल्कुल तीर का डायरेक्शन में है, मैं आ चुका तो आगे क्या मिलेगा जे। अब देखिए जे क्रॉस आई, जे इधर है आई इधर है, देखिए मैं उल्टा आ रहा हूं क्रॉस के, मैं उल्टा आ रहा हूं तो आएगा क्या के, लेकिन माइनस साइन में क्योंकि क्रॉस के उल्टा में आ रहा हूं, तो यहां पे होगा माइनस के। के क्रॉस जे, के इधर है जे इधर है, फिर से मैं क्रॉस के में तीर के उल्टा आया तो आंसर होगा आई लेकिन माइनस में क्योंकि तीर के में उल्टा आ रहा हूं, माइनस आई। आई क्रॉस के, आई इधर है के इधर है बिल्कुल उल्टा, तो इसका आंसर होगा जे माइनस साइन में, माइनस जे कैप, ठीक है। अब देखिएगा चलिए अब देखते हैं जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में किए थे आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, वैसे इसमें क्या होगा, आई डॉट आई, आई का मैग्नीट्यूड इससे इसका वन, जे का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड फिर ये बी के जगह पर फिर आई है तो आई वन, उसके बाद में कॉस सॉरी साइन होगा यहाँ पर साइन, इन दोनों के बीच का एंगल आई भी इधर ही है जैसे आई जे के आई जे के, आई भी इधर ही है और दूसरा आई भी इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री साइन जीरो डिग्री, तो साइन जीरो का मान होता है जीरो, इधर कुछ भी रहे आंसर आएगा जीरो। जे डॉट जे इसका मान वन, इसका मान वन, साइन जे और जे के बीच का एंगल, पहला जे भी इधर है दूसरा जे भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री साइन जीरो डिग्री जीरो, सिमिलरली इसका भी जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि सेम में गुना करने पर आएगा वन और क्रॉस प्रोडक्ट में सेम में गुना करने पर आएगा जीरो। डॉट प्रोडक्ट में दूसरे के साथ एक आई और दूसरा जे या फिर एक आई दूसरा के, दूसरे दूसरे के साथ गुना करने पर आएगा जीरो, जबकि इस केस में आपने पिछले केस में देखा था कि आई और जे के साथ करने पर तीर के डायरेक्शन में के आ रहा था, या फिर उल्टा करने पर माइनस में आंसर आएगा, लेकिन आंसर देगा अगर दूसरे के साथ गुना होगा तो,
डॉट प्रोडक्ट नहीं देगा। तो चलिए ठीक है, इस वेक्टर टॉपिक में इतना ही। अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसमें आया है डीसीईसी में, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिएगा देखिएगा, एक क्वेश्चन आया है कि अगर ए वेक्टर बराबर बी प्लस सी, जहां ए का मान 5, बी का मान 4 और सी का मान 3 है, तो मुझे बताना है कि ए तथा बी के बीच का कोण क्या होगा। अब देखिएगा, ये पूछा है ए तथा बी, ए यहां पर रिजल्टेंट है। एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि अगर कोई वेक्टर ए इधर है और कोई एक वेक्टर बी इधर है, सॉरी ट्रायंगल लॉ में बी इधर होता है और ये उसका हो गया रिजल्टेंट, एक्स मान लो, अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो ये एक्स और ये वाई और आर इसका रिजल्टेंट है। तो इस केस में एक एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है बी मतलब वाई साइन थीटा बटे एक्स प्लस वाई कॉस थीटा, और ये वाला एंगल ये होता है एक्स और आर के बीच का एंगल। वैसे ही हमको इसमें क्या पूछा, ए और बी का पूछा है, ठीक है, ए यहाँ पर रिजल्टेंट है और बी चार ये है। मान लेता हूं कि बी इधर जा रहा होगा, बी और सी जो है इधर जा रहा होगा, सी और इसका जो रिजल्टेंट होगा ए, इन दोनों का जोड़ वो इस प्रकार है ए, और मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, यही वाला थीटा या फिर अल्फा। तो उसके लिए मुझे पहले चाहिए ये वाला थीटा, ये निकलेगा तो ही मुझे ये वाला मान निकलेगा। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम में जाऊं तो मैं बहुत जल्दी फंस जाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे एक चीज याद आ रहा है कि मैंने एक और फॉर्मूला बताया था रिजल्टेंट का, आर स्क्वायर बराबर रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी आर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैं उसी से करता हूं, यहां पर आर मतलब ए जो इसका रिजल्टेंट है उसका मान दिया है मुझे 5, तो 5 बराबर रूट अंडर एक्स का स्क्वायर मतलब पहले वाला का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर मतलब दूसरे का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 गुना 4 गुना 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा ए और बी के बीच का एंगल, सॉरी बी और सी के बीच का एंगल है। अब देखिए 5 बराबर रूट अंडर 16 और 9 25 प्लस 4 3 12 गुना 24 कॉस थीटा। क्या करता हूं मैं, इसको इधर स्क्वायर में भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 25 बराबर 24, 25 बराबर 25 प्लस 24 कॉस थीटा, इधर आके माइनस होकर हो जाएगा 0, 0 बराबर 24 कॉस थीटा, ये गुणा में है ये भी आके भाग में आके हो जाएगा 0, 0 बराबर कॉस थीटा, और ये 0 तब होगा जब इस थीटा का मान 90 डिग्री होगा, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री यहाँ पे पुट कर देते इस फॉर्मूला में आ जाएगा ये एंगल। तो जो अल्फा एंगल होगा इसके इसके बीच का एंगल वो होगा वाई साइन थीटा, वाई मतलब दूसरा वाला या फिर बी मतलब दूसरा वाला, इस केस में ये इसका रिजल्टेंट है, ये पहले वाला है और ये दूसरे वाला है, तो दूसरे वाला में है सी, सी का मान है 3 साइन थीटा, थीटा का मान है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्स मतलब पहले वाला, और पहले वाला है 4 प्लस वाई का मान है, उधर है वाई इधर है सी दूसरा वाला 3 कॉस थीटा का मान है 90 डिग्री, कॉस 90 का मान होता है 0, साइन 90 का मान होता है 1, तो 3 गुना 1 बटे 4 प्लस 0 तो 3/4 अल्फा कॉस अल्फा सॉरी टेन अल्फा लेते हैं यहाँ पर इस केस में टेन अल्फा लेते हैं, तो अल्फा हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल नए वीडियो में और इसी से आगे शुरुआत करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियो पॉलिटेक्निक इंट्रांस के आपको डेली बेसिस पे आते रहेंगे। तब तक के लिए फिर कल मिलता है, ठीक है, थैंक यू।